सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टेलीविजन इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से बाहर के कई लोग शोक में डूबे हुए हैं। जिंदगी के 40वें साल में सिद्धार्थ इस दुनिया से रुखसत हो गए और ये बात उनके फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनके चाहने वालों को अब तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा। जिन्हें यकीन हो रहा है उनमें से कुछ लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसी एक खबर सामने आई है जिसमें सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर उनकी फैन कोमा में चली गई और इस बात की पुष्टि डॉक्टर ने की है। अब जरा ये ट्वीट देखिए। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सुनकर उनकी ये फैन कोमा में चली गई। डॉक्टर ने लड़की की भी तस्वीर शेयर की है। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने पोस्ट शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की ये फोटो शेयर की है जिसके साथ डॉक्टर जयेश ठाकर नाम के एक यूजर का पोस्ट है। इस पोस्ट में लिखा है, दोस्तों अपने परिवार या दोस्तों से बात करें, अकेले ना रहें। हाल ही में सिडनास की एक फैन बाथरूम में बेहोश पाई गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कृपया अपना ख्याल रखें, उसके लिए प्रार्थना करें। विरल भयानी के शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, सिद्धार्थ शुक्ला की एक फैन उनके निधन की खबर सुनकर आंशिक कोमा में चली गई। हम उनके अच्छे होने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इस कठिन समय में सभी सिडनाज़ फैंस मजबूत होंगे। इस खबर के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सिर्फ टीवी इंडस्ट्री को ही नहीं, बॉलीवुड को भी एक्टर के निधन ने हिलाकर रख दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उनका परिवार, दोस्त और फैंस बुरी तरह प्रभावित है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके फैंस काफी निराश हैं, लेकिन उनकी एक फैन ऐसी भी है जिन्हें अब दुआओं की सख्त जरूरत है। ABP News आपको रखे आगे।